कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तबीयत कैसी है आप लोग? क्योंकि मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। आज पूरा 1.5 मंथ हो चुका है जो कराची का मौसम चल रहा है। VVIP औसम मौसम है। अभी बारिशें तो थोड़ी रुक गई हैं, लेकिन जो हालात हैं वो बड़े नाजुक हैं। और ख़ास तौर पे हैं जो आउटसाइड सिंध की तरफ हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करें, आमीन सुमामीन। उनके जितने भी घर जो है पानी में जो है बह चुके हैं और जो अभी पानी में है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करें, आमीन सुमामीन। उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, आमीन सुमामीन। हर परेशानी तकलीफ़ दूर करें, आमीन और आमीन सुमामीन। क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है वहाँ पर। वो दर्द वही समझ सकता है जिसको तकलीफ़ होती है। अच्छा, हमने वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था, हमने सोचा पहले हम दुआ करें उनके लिए, क्योंकि हमें अल्लाह पाक ने एक नेमत दी। हम छत के नीचे बैठे हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, तो अल्लाह पाक कम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। कल मैं गया था बाइक का ऑयल चेंज करवाने और ऑयल फिल्टर चेंज करवाने। बाइक की वीडियो तो मैंने आप लोगों से नहीं बनाई क्योंकि टाइम नहीं मिला, लेकिन सोचा कि जो काम करने लगा हूँ उसकी छोटी सी वीडियो आपसे शेयर कर लूँ। मैंने बाइक रिसेंटली जो है वो चेंज की थी, मेरे पास होंडा की थी, 70 बाइक थी। उसके बाद मैं मूव हुआ 110 के ऊपर, और अल्लाह पाक सबको इसी तरह की चीज़ें जो है नसीब फरमाए, जायज़ ख्वाहिशात उनकी, आमीन सुमामीन। तो अब इशू क्या है, वजह क्या है वीडियो बनाने का, वो ये था कि इसका एयर फिल्टर वॉश या सफाई कैसे करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उसकी वीडियो बना लूँ। तो कल तो ऑयल चेंज कर दिया, फिल्टर चेंज कर दिया। हमारे साथ अदनान भी थे, आ जाओ अदनान। तो इनके सामने ये मेरे साथी थे। ठीक हो? आप ठीक हो? तबीयत ठीक है? तो कल मैंने ये चेंज कर दिया था और अब मैं करने लगा हूँ इसको चेंज। और ये देख ले, मैंने नट वगैरह खोल लिए थोड़ा ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये देखे ना कंडीशन, अभी इसके अंदर भी एक ऑयल, इसके अंदर एयर फिल्टर है और ये उसका फॉर्म है। ये देखे ना मिट्टी, ये देखें। तो अभी इसको खोलते हैं और इसको खोल के चेक करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कितना आसान है इसको करना। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसमें जो है तीस मार खान कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप लोग भी आसानी से अपने घर कर सकते हैं इस चीज़ को। तो देखते हैं, खोलते हैं। ये सारे नट खोल के मैंने यहाँ रख दिए हैं और जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश कर रहा था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये दो नट भी रह गए, इसको खोलना ज़रूरी है। अच्छा, बाकी ये सारे नट होते हैं, अंदर ये चार नट होते हैं, चार नट होते हैं। तो इनको भी खोल लेते हैं। और हमने सारे टूल्स जो है ना इसके अपने ही यूज़ किए हैं, बाहर से हमने कोई टूल यूज़ नहीं किया है। और बिल्कुल अच्छे टूल्स देते हैं ये लोग, इनके अच्छे टूल्स हैं, चाइना की बाइक से तो लाख दर्ज अच्छे हैं। और अब इसी से हम काम करेंगे, इसको खोलना ज़रूरी है। अंदर की फिल्टर की क्या कंडीशन है वो आपसे शेयर कर लेते हैं, ठीक है? और आप लोग भी इजीली कर सकते हैं, स्पेस होना चाहिए आपके पास और ये टूल किट होनी चाहिए, तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आप, मैं ऑयल भी चेंज कर सकता था और ये ऑयल फिल्टर भी यहाँ से खोल के चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने बोला चलो करवा लेता, उतना टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब खोल लेते हैं इसको। ये देख लें आप, ये देखें, ये देखें। अच्छा, ये आप ख़रीदने जाते हैं मार्केट में तो ओरिजिनल 1,000-1,800 रुपये तक का है और लोकल 400-500 रुपये तक का मिल जाएगा ये ये एयर फिल्टर। तो इसको सिर्फ हम एक काम करेंगे, हवा लगवा लेंगे। इसको वॉश करना है सरफ़ और पानी से। और आपको एक चीज़ वाजे तौर पे क्लियर बता दूं कि जब तक ये ड्राई ना हो तब तक आप इसको फिट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर ज़रा से भी इसमें नमी हुई और आपने इसको फिट कर दिया तो आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी। तो परेशान मत होइएगा, दोबारा खोल के इसको जो है इसको ड्राई कर लीजिएगा, अव्वल तो पहले ही कर लीजिएगा ताकि तकलीफ आपको उठानी नहीं पड़े। तो इसकी एक पिक्चर भी ले लो। ले ली पिक्चर, ठीक है। अब मैं इसको वॉश करता हूँ और इसको इस पर एयर लगवाता हूँ। और अगर आप लोगों को भी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि औरों तक ये अवेयरनेस जाए और आप लोग भी इजीली अपने घर में और कहीं पे भी खुले स्पेस में ये काम कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो मैं अपना काम करने लगा हूँ, चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।